नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? हम जीबी एजुकेशन में आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि आपकी कक्षा 10 की जो बोर्ड एग्जाम होने वाली है, उनमें हम प्रयास करेंगे, जितना हो सकता है उतना हम प्रयास करेंगे आप लोगों की मदद करने की, आप लोगों की सहायता करने की। और आज मेरे साथ उपस्थित हैं कक्षा 10 की विज्ञान पढ़ाने के लिए शिक्षक के साथी, जिनका नाम है बलवंत जी। इन्होंने पहले केमिस्ट्री के 2 चैप्टर अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर रखे हैं। आज बचे हुए जो भी चैप्टर है केमिस्ट्री के, फिजिक्स संबंधी या बायोलॉजी के जो बचे हुए चैप्टर हैं, उनके बारे में कुछ आपको क्वेश्चन ये लेके आए हैं। क्वेश्चन की जानकारी आपको देंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन आने वाले हैं और कौन से क्वेश्चन जो है बड़े महत्वपूर्ण है, उन सभी क्वेश्चन की ये आपको क्या जो है जानकारी प्रोवाइड करवाएंगे। दूसरी बात, देखो टाइम अभी इतना बचा हुआ नहीं है कि हम लेंथी पूरा सिलेबस लेके चले, तो अभी टाइम जो है ना वो दही छोड़ दो, तो केवल मक्खन खाने का वक्त आ गया प्यारे बच्चों, है ना। तो रसगुल्लो बात में ये कहना चाहता हूँ आप सभी को कि अभी जो है सर आपको केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, सिलेबस समझाएंगे, कौन सा लेसन कितने नंबर का है ये जानकारी देंगे। उसके बाद में आपको कल से जो है लगातार आपके 5-6 क्लास, 10 क्लास जितनी हो सकती है उतनी क्लास आपके लिए साइंस की इम्पोर्टेंट क्लास लगेगी। दूसरा, विजय सर आपको 10वीं की जो सामाजिक विज्ञान है उसकी क्लासे भी रेगुलर प्रोवाइड करवाएंगे। कुछ समय पहले कुछ परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी, है ना, कैमरा वगैरह खराब हो गया था, स्टूडियो में दिक्कत आ गई थी, तो हम नहीं प्रोवाइड कर पा रहे थे। आप लोगों के भी लगातार मैसेज आ रहे थे कि सर आपने क्या किया, वादा किया था, ठीक है वादा था टूट गया, कोई बात नहीं है फिर से कर रहे हैं, साथ आपका देंगे, साथ देने का वादा किया है साथ पूरा निभाएंगे हम। घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों, आप हमारे बच्चे हो, हमारे परिवार के सदस्य हो, आपसे हम हैं, हमसे आप हो, ठीक है ना। हमें आपसे पूरी उम्मीद है कि कक्षा 10 के रिजल्ट में आप हमें झुकने नहीं दोगे, आप हमें रुकने नहीं दोगे, हमसे जितना होगा हम आपके लिए तैयार हैं। लेकिन बेटा परसेंटेज आपकी डाउन नहीं होनी चाहिए, जो आप मांगोगे वैसी क्लास आपको हम देंगे। जिस भी चैप्टर में समस्या हो जाएगी उस चैप्टर की क्लास में डलवा दूंगा, ठीक है ना। आज हमारे इस चैनल के जो महान हस्ती हैं श्रीमान बलवंत जी सर, वो आपके सामने उपस्थित हैं। बलवंत जी को मैं आपके सामने आने के लिए अनुग्रहित करता हूँ। बलवंत जी आइए एक बार, ठीक है। तो ये है हमारे बलवंत सर, इनसे मुलाकात कीजिए। इन्होंने पहले भी केमिस्ट्री के 2 चैप्टर जो है अपलोड कर रखे हैं, क्लास लिए इन्होंने, बाकी जानकारी केमिस्ट्री की। देखो बेटा मुझे इतनी या नहीं, मैं इतिहास पढ़ाता हूँ, ये आपको समझाएंगे, ठीक है। तो 2 मिनट आप बलवंत जी से बात कीजिए, उसके बाद में बलवंत जी सर आपको जो है केमिस्ट्री के बारे में, सामाजिक विज्ञान के बारे में जानकारी देंगे। ठीक है, अभी आपने हमारे इस चैनल के मुख्य मोटिवेशनल मान लो या अपने जो मुख्य गाइडलाइन सर मान लो, राजवीर जी सर ने आपको मेरे प्रिय विद्यार्थियों को जो कुछ बताया वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही चीजें इम्पोर्टेंट थी। और मैं फिर से आपके हमारे इस यूट्यूब चैनल जीबी एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको आज आपके सामने ये आपको साइंस यानी अपने विज्ञान के जो चैप्टर है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो अभी एग्जाम लगने वाली है, 6 मई से आपके जो एग्जाम स्टार्ट है, इसके लिए देखते हुए जो अभी ये समय चल रहा है वो बहुत ही गोल्डन हावर समय है, यानी वो ऐसा सुनहरा समय है जिसमें आप बहुत कुछ पा सकते हैं। अब ऐसी समय के अंदर हम आपको ऐसे टेक्निकल यानी इस प्रकार से पढ़ाएंगे कि ऐसी कीमती चीजें जिसे आप आराम से जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो पेपर है वो आराम से हल कर सके आप। तो फिर अब मैंने पहले आपको 1 या 2 चैप्टर डाल रखे हैं इस चैनल के ऊपर, यानी लेसन नंबर 5 और लेसन नंबर 6, और जो केमिस्ट्री का लेसन नंबर 7 और 8 था वो हट चुका है, और हमारे जो सर है उन्होंने बायोलॉजी के चैप्टर भी डाल रखे हैं। फिर भी आप इस समय इतना समय तो बचा नहीं, फिर भी मैं आपको जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे यानी जिस चैप्टर में जितने इंपोर्टेंट क्वेश्चन है या जो आने वाले क्वेश्चन है जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आपको प्रोवाइड करेंगे, सही है। और बहुत ही ऐसे मान लो आपके लिए तो इतना बहुत ज्यादा भाव, बहुत सारे भाग्यशाली हो जो इतना अच्छा सिलेबस लगा है और जो हार्ड कठिन टॉपिक है वो आपके हट गए हैं। यानी जैसे 7वां चैप्टर 8वां चैप्टर बहुत कठिन था, नामकरण वाला आईपीएससी पद्धति वगैरह था, तो 12th के अंदर चलता था वो, अभी इस बार कोरोना काल के कारण से हटा दिया गया। तो आपके पास मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे साथियों, आपके लिए बहुत सुनहरा अवसर है कि आपकी बार आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। और फिर से मैं आपके सामने ये आपके जो सिलेबस का है, जो प्रश्न प्रकार का किस प्रकार विभाजन किया है, नया सिलेबस 2020-21 का जो नई गाइडलाइन
रैंक के अनुसार जो नया सिलेबस आया, पहला क्वेश्चन कितने नंबर का किस प्रकार होने वाला है, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। और मैं आपको यानी विश्वास दिलाता हूं या वादा करता हूं कि आप बहुत अच्छे अंक अर्जित करेंगे और बहुत ही अच्छे आप परसेंटेज प्राप्त कर सकते हैं। इतने से 15-20 दिन में आप लगातार मेरे साथ बनी रही और मैं लगातार हर दिन आपको एक नए नए वीडियो प्रोवाइड करूंगा, प्रत्येक क्वेश्चन प्रत्येक चैप्टर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा। तो ध्यान दीजिए, हम सबसे पहले आप विज्ञान की आपकी सारी बुक है, उस पूरी विज्ञान को कितने भागों में कैसे बांट रखा है, पूरी बुक को कितने चैप्टर हैं, कौन से चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा और कौन से खंड में आएगा, सारा जो आपको है मैं अभी प्राप्त करवा रहा हूं। देखिए सामने, देखो सबसे पहले प्रश्नों का प्रकार व विभाजन, टॉपिक अपना प्रश्नों के प्रकार व विभाजन, प्रश्नों का प्रकार व विभाजन। तो मेरे प्रिय साथियों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान दें आप कि हमारे जो प्रश्न पत्र है, जो प्रश्न पेपर आएगा अपने, उस प्रश्न पेपर के आधार क्या रहेगा कि उसमें खंडों के रूप में आएगा। आगे मेरी बात समझ में, खंड आएंगे उसमें, सही है, ए ब स द जैसे ये खंड आएंगे ए बी क्रम में, मान लो। तो देखो अपने खंड आएंगे पांच, पहले आएगा खंड ए और दूसरा आएगा खंड ब, तीसरा आएगा खंड स और फिर आएगा खंड द और फिर आएगा खंड ये। आगे मेरी बात समझ में, मेरे प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दो, आपने ऐसे सोचा होगा कि सर ने इतने दिन क्लासें नहीं दी, कोई कहीं किसी प्रॉब्लम या ऐसी ऐसी अस्त व्यस्त होने के कारण या मेरी जैसे लगातार स्कूलों में कक्षा चलने के कारण मैं आपके सामने उपस्थित नहीं हो सका, टाइम नहीं दे सका। क्योंकि आपको भी बताया, इस कोरोना काल गाइडलाइन के अनुसार 18 जनवरी से अपना सत्र चालू हुआ था, उस समय में इतना सिलेबस करवाना प्लस में क्वेश्चन करवाना और ये भाग दौड़ की वजह से हम आपको समय नहीं दे पाए। लेकिन फिर आगे से वादा करते हैं या आगे आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपको जो जितना भी इतने हमारे दिन इन 15-20 दिन के अंदर आपको जितना पहुंचा सकते हैं उतना पहुंचाएंगे। मेरे को मैं विश्वास दिलाता हूं कि मेरे साथ इतने स्टूडेंट जुड़े हैं, बड़ी गर्व की बातें हैं और आप मेरा ऐसा ही सहयोग बनाते रहेंगे, हम ऐसे आपके के साथ साथ अपना आप सहयोग देते रहेंगे, अपना अपना टाइम देते रहेंगे, तो हम भी आपको अच्छी अच्छी चीजें प्रोवाइड करेंगे। तो ऐसे खंड आएंगे आपके पांच, खंड खंड ए खंड ब खंड स खंड द और खंड ये, ऐसे आपके आएंगे। वैसे मान लो जैसे पार्ट ए आया, बी और सी और डी और ई, ऐसे अपने पांच खंडों में पेपर आएगा। आगे बात समझ में, पांच खंडों में पेपर आएगा, पेपर पांच खंडों में आएगा तो पेपर की जो प्रश्नों की संख्या रहेगी वो अलग रहेगी। आप देखो प्रश्नों की संख्या कौन से कैसे रहेगी, प्रश्नों की संख्या ये उतार लेना आप, ऐसे मान लो ब्लूप्रिंट ये है प्रश्नों की संख्या, जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्नों की संख्या और इसके अंदर प्रश्नों की संख्या के कुल अंक भार, कुल अंक भार, अंक भार यानी कुल अंक भार कितना होगा और साथ में और जो अंक है उन अंकों की जो प्रश्न है वो कितने आएंगे। आगे ना कितने नंबर आएंगे तो आगे लिख देना अंक प्रश्न संख्या, अंक प्रश्न संख्या। मेरे दोस्तों आपको ये तो पता है कि अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 80 नंबर का पेपर होगा, लेकिन अब की बार जो सिलेबस डाला है यानी जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो टॉपिक सिखाए हैं उनके आधार पर उन प्रश्नों जो टॉपिक हट गए यानी जो चैप्टर हट गया, जैसे केमिस्ट्री का 7वां 8वां चैप्टर हट गया, तो उनके आधार पर अंक भार को आगे पीछे कर रखा है। तो इस कारण से मैं आपको इन प्रश्नों का प्रकार में विभाजन टाइप करा रहा हूं। आपको सबसे पहले हम किसी भी कार्य को करते हैं तो किसी कार्य करने के लिए हमें लक्ष्य का पता होना आवश्यक है। जब भी हम किसी चीज को, द्रोणाचार्य ने अर्जुन से कहा था कि आपको क्या दिखाई दे रहा, तो उसने एक ही जवाब दिया था कि मेरे को सिर्फ अपने ये जो चिड़िया है, चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है, पेड़ पर बैठी हुई चिड़िया थी तो मेरे को यानी लगातार उसकी चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। उसी प्रकार से मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, मैं आपको फिर से ये कह रहा हूं कि अपने बस अपने आपको लक्ष्य पर ध्यान रखना, अपना टारगेट क्या है उस टारगेट पर, क्योंकि ये समय बहुत कम है और ऐसा गोल्डन समय है, इसमें आप अधिक समय में अधिक से अधिक समय देकर आप बहुत अच्छे बढ़िया अंक अर्जित कर सकते हैं। और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है आपको जो कभी भी आपको झुकने नहीं देगा और कभी अपने जीवन में ये बहुत सफलता के लिए समय है। तो सबसे बढ़िया समय और सबसे बढ़िया सिलेबस के साथ मैं आपके सामने लेके आया हूं बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन और बहुत ही कुछ खबर की बात है कि इतना कम सिलेबस में आप अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं, बहुत कम पढ़ने की आवश्यकता है और आप बहुत ज्यादा से ज्यादा अंक अर्जित कर सकते हैं। तो देखो प्रश्नों की संख्या कैसे क्या रहेगी, पहला क्वेश्चन आएगा और पहले क्वेश्चन के अंदर आएंगे 1 से लेकर 10 तक, 1 से 10 पार्ट आएंगे पहले के, यानी ये आएंगे बहुविकल्प क्वेश्चन आपके सामने, जो ऑप्शन टाइप्स क्वेश्चन आते हैं आपके सामने, जो यानी चूज करने के आते हैं, ऑप्शन दिए जाएंगे और आपको ऑप्शन चूज करने होंगे। इन प्रश्नों की संख्या रहेगी 2 से 11 तक और प्रत्येक क्वेश्चन हो रहेगा इसमें एक नंबर का, कितने नंबर का रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चनों की संख्या कितनी रहेगी,
पर्सन संख्या आएंगी इसमें, कुल अंक भार तो 20 का आएगा, और जो पर्सनों की संख्या रहेगी वो पर्सनों की संख्या बताओ कितने अंक भार, यानी उस पर अंक भार पर्सनों की संख्या तो आएगी आपके पास पहले पार्ट से, यानी जो पहला पर्सन क्वेश्चन आएगा उसके 10 पार्ट आएंगे जैसे आपके, और फिर इसके अंदर ही एबसेदा वाले क्वेश्चन आएंगे, रिक्त स्थान पूर्ति करने वाले जो क्वेश्चन आएंगे, तो वो रिक्त स्थान पूर्ति करने वाले पर्सन आएंगे उनमें अंकों की, यानी अंक जो पर्सन की संख्या रहेगी वो पर्सनों की संख्या आपके पास जो अंक पर्सन संख्या है वो रहेगी आपके एक, यानी प्रत्येक क्वेश्चन आपके सामने एक नंबर का होने वाला है, यानी पर्सन कितने नंबर का होगा एक, और पर्सनों के कुल अंक भार कितने होंगे 20 होंगे, इसमें 2 से 11 आएंगे, जो 10 क्वेश्चन आएंगे वो तो आएंगे पहले पहले क्वेश्चन के, तो 10 आएंगे, समझ रहे हैं मेरी बात, यानी पहला क्वेश्चन है पहले क्वेश्चन का, जैसे पहला दे रखा है इसका पहला इसका दूसरा, यानी सब पार्ट इसके, आगे बात समझ में आ रही है, तो इसके 10 आएंगे ऐसे, तो पहले क्वेश्चन के 10, फिर आएगा आपके सामने दूसरा से लेकर 11वां पर्सन, ये रेगिस्तान के क्वेश्चन, और वैसे आपको एक लाइन दो जैसे दो नंबर का क्वेश्चन एक वो पूछते ना उस हिसाब से पूछेंगे, आपको रेगिस्तान की पूर्ति करनी है, इस प्रकार से इनकी संख्या रहेगी पर्सनों की संख्या 2 से लेकर 11 तक, यानी 11 क्वेश्चन रहेंगे टोटल। उसके बाद देखो नेक्स्ट आपका खंड आ रहा है बी, और खंड बी बैक के अंदर आपके पास क्वेश्चन रहेंगे 12 से आएंगे, तो 12 से लेकर क्वेश्चन की संख्या रहेगी आपको 19 तक, यानी कुल संख्या कितने हो गए 8 प्रश्न हो गए, कितने प्रश्न हो गए 8 प्रश्न, और ये 8 प्रश्नों का जो अंक भार रहेगा आपके सामने ये रहेंगे 16, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, क्वेश्चन मार्किंग संख्या कितनी रहेगी, जो 100 क्वेश्चन आएगा वो 2 अंक का होगा क्वेश्चन, और 8 क्वेश्चन आएंगे तो 8 × 2 = 16, इसमें कितने 10 क्वेश्चन आएंगे, और 10 क्वेश्चन के आधार पर एक क्वेश्चन यानी उसी नंबर के हिसाब से बताओ कितने नंबर का हो गया 20 नंबर का, जिसमें 2 से 11 2 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे 2 से 11, तो इसमें हिसाब से 20 नंबर हो गए। और फिर अगला क्वेश्चन आ रहा है 20 से लेकर अगले आपको जो क्यों आएंगे 20 से आएंगे आपके पास 23 तक, और इसके क्वेश्चन होंगे आपके पास कितने 4 क्वेश्चन होंगे, टोटल क्वेश्चनों की संख्या कितनी रहेगी 4, क्वेश्चन संख्या 20 से दोबारा सुनना क्वेश्चन संख्या 20 से आएंगी, और 20 से कहां तक आएंगी बताओ 23 तक आएंगी, और क्वेश्चनों की कुल संख्या कितनी रहेगी 4, और ये प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो 4 अंक का होगा, और कितने नंबर का होगा टोटल 16 नंबर का, अंक भार कितना रहेगा 16, यानी 4 × 4 एक क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का, और 4 × 4 के आधार पर आएगा। फिर आपका आता है खंड द, और खंड द यानी पार्ट डी आपका चौथा पार्ट, इस चौथा पार्ट में देखो 24 से लेकर आपके पास क्वेश्चन आएंगे 25, यानी 24 से 25 तक, यानी मात्र ही 2 ही क्वेश्चन, 24वां क्वेश्चन और क्वेश्चन संख्या 24 और क्वेश्चन संख्या 25, और ये 2 ही क्वेश्चन आएंगे, और सबसे बढ़िया बात इन दोनों क्वेश्चन कितने नंबर के होंगे 10 नंबर, यानी एक प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का, दोनों क्वेश्चन कितने नंबर के हो जाएंगे 10 नंबर के, यानी ये अंक प्रश्नों की संख्या है, एक प्रश्न का संख्या आएगी एक और दो है, तो देखो 2 × 5 = 10, यानी कितने कुल अंक कितने हो जाएंगे 10। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे प्रिय साथियों, आपके लिए बहुत खुशखबरी की बात, फिर से देखो इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस पर्सन में आपको क्या मिलेगा, अवर अथवा अर्थार्थ आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, इस पर्सन में आपको क्या प्रोवाइड किया जाएगा, अथवा दिया जाएगा अर्थार्थ, कोई एक क्वेश्चन करना होगा आपको। आगे मेरी बात सुन में, इस 24वें और 25वें क्वेश्चन में आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें अवर मिलेगा आपको अथवा मिलेगा, कोई सा भी चूज कर सकते हैं आप अपने हिसाब से, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। फिर आता है आपके सामने खंड ये, इसमें आएंगे पर्सन संख्या 26 से 28 तक, कितने आएंगे 26 से 28 तक, यानी क्वेश्चन आएंगे 3, और ये मेरे प्रिय विद्यार्थियों परसेंटेज बढ़ाने के आधार पर बहुत ही अच्छा सिस्टम है आपकी बात, और ये 3 क्वेश्चन आपके सामने प्रोवाइड होने वाले 18 नंबर के, और प्रत्येक क्वेश्चन की संख्या रहेगी कितनी बताओ, यानी 3 क्वेश्चन तो प्रत्येक क्वेश्चन का अंक भार कितना रहेगा 6 नंबर का, तो 3 क्वेश्चन कितने नंबर का हो गया 18, और इसमें भी सबसे बढ़िया आपके लिए, बहुत लक्की हो आप, बहुत लक्की ड्रा हो आपकी बात, इसमें भी आपके लिए बताओ क्या मिलेगा आपको, अवर अथवा मिलेगा, वहां पर क्या मिलेगा अवर अथवा अथवा मिलेगा आपको, जिससे आप आराम से और कोई सा भी जैसे आपको एज अच्छा लगे जो क्वेश्चन या जो आपको याद हो कोई से अथवे में से कोई सा भी आंसर दे सकते हैं। ये आपका देखो टोटलिंग हो गई 80 नंबर का, टोटल जो अंक बाहर है आपका जो 80 नंबर का हो गया, क्वेश्चनों की संख्या हो गई 28 अब की बार, कितने क्वेश्चन आएंगे आपके पास सामने 28 क्वेश्चन आएंगे, टोटल नंबर आएंगे 80 नंबर के। आगे पास में ये आपने क्वेश्चन के चार ही टाइप रहेंगे, एक नंबर के क्वेश्चन, 2 नंबर के, 4 नंबर का, 5 नंबर का और 6 नंबर का। आप सबसे इंपॉर्टेंट बात, खंड द और खंड य के अंदर क्या रहेंगे आपके सामने अथवा प्रश्न, इसमें 2 ही क्वेश्चन आएंगे, दोनों में अथवा रहेगा, और इसमें 3 क्वेश्चन आएंगे, तीनों में आपको अथवा मिलेगा, और बाकी जो क्वेश्चन है ये आपके सामने टोटल 80 नंबर का बन गया है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे प्रिय साथियों।
आप ये जो प्रश्नों का प्रकार या विभाजन है इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप अपने हिसाब से वैसे तैयार कर रख सकते हैं तो तैयार रख सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा आपको लक्ष्य भेदना है सिर्फ आपको, यानी जब आपको सफल होना है तो केवल आपको लक्ष्य पर अभी टारगेट करना है, सिर्फ अपना एक ही मकसद होना चाहिए कि अपना लक्ष्य, तो लक्ष्य आपके सामने मैंने डाल दिया है। अब मेरे प्रिय विद्यार्थियों साथियों मैं आपको कि कौन से चैप्टर के अंदर कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, कौन सा खंड से आएगा वो आपके सामने प्रोवाइड कराने वाला हूं अभी आपके कुछ ही समय में, कि इस खंड ए में कौन सा क्वेश्चन आएगा, खंड बी में कौन सा आएगा, खंड सी में कौन सा आएगा और खंड डी में कौन सा, ई में कौन सा आएगा। तो अभी मेरे प्रिय विद्यार्थियों आपको प्रत्येक चैप्टर वाइज यानी एक एक चैप्टर वाइज अपने विज्ञान के अंदर देखो अलग अलग डिवाइड्स में बांटा गया है बुक्स को, तो वो सारी डिवाइड्स जो कर रखे हैं उसके आधार पर मैं प्रत्येक आपको यानी अब प्रत्येक अंक के आधार पर या प्रत्येक खंड के आधार पर बताऊंगा। इसका स्क्रीनशॉट ले आप जल्दी से ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिया क्या? स्क्रीनशॉट ले आओ जल्दी से, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं हो एग्जाम समय में, कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत ना आए एग्जाम समय में कि सर कैसे होगा क्या होगा किस प्रकार से होगा, ले लिया? तो देखो मैं इसको रफ कर रहा हूं, अभी आपके समय अभी भी बहुत आपके सामने बहुत ही बढ़िया समय है और बहुत ही कम समय है, और इस बढ़िया समय के आधार पर यानी अच्छी मेहनत करके आपने, मेरे को आशा है मैंने आपने लगभग सिलेबस क्लियर कर लिया होगा, आपने वैसे अध्ययन के हिसाब से कर लिया होगा, या नहीं किया तो मैं प्रत्येक चैप्टर में से मैं आगे समय में वादा करता हूँ आपके सामने कि रोज मैं प्रत्येक चैप्टर में से मेन मेन जो क्वेश्चन आपके जो बोर्ड एग्जाम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेके आऊंगा और फिर आपको प्रत्येक चैप्टर वाइज क्वेश्चन करवाऊंगा। तो लगभग आप एग्जाम के हिसाब से यानी एग्जाम से समय पहले आज लगभग आपके सामने यानी जो समय है इस समय के आधार पर अभी एग्जाम का काफी टाइम है, 20 दिन है या जितने भी दिन है वो 20 दिन के अंदर आपको मैं कंप्लीट चैप्टर के यानी अपने जो चैप्टर हटा दिए उनके अलावा जितने चैप्टर बचे वो करवाऊंगा। तो देखो आप दोस्तों फिर वापस अपने जो विज्ञान है इस विज्ञान को अलग अलग भागों में बांटा गया है, यानी कि जो अपने इसके बारे में अध्ययन करेंगे यानी जीव विज्ञान, जो जीवों के बारे में अध्ययन, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और भी जैसे अपने जो भौतिक विज्ञान के बाद आता है अपने प्राकृतिक विज्ञान, और प्राकृतिक विज्ञान के बाद अपने बांट रखा अंतरिक्ष की सैर करेंगे हम, अंतरिक्ष का विज्ञान भी है और अंतरिक्ष विज्ञान के बाद में अपने हैं जो पर्यावरण संबंधित है, जो पर्यावरण के अंदर है या जो पर्यावरण में एलिमेंट पर्यावरण में जो भी जो तत्व है या जो भी चीजें हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखो सबसे पहले अपने आ रहा है जीव विज्ञान, कौन सा? जीव विज्ञान। इस जीव विज्ञान का कुल अंक बाहर है यानी अपने जो बायोलॉजी है, जो बायोलॉजी का कुल अंक बाहर है वो है 17। अंक बाहर कितना है इस बायोलॉजी का? 17। कितने नंबर का है टोटल अंक बाहर? 17 नंबर का है। ये जो टोटल आपके अंक बाहर है वो इसके अंदर देखो खंड कैसे किस प्रकार रहेंगे, एक तरफ तो लिख रहा हूं मैं अध्याय आपके सामने अध्याय, और एक बार लिख रहा हूं एक इसमें अध्याय संख्या, इधर आ जाएगा अध्याय संख्या और इसमें लिख रहा हूं अध्याय का नाम जो भी आपका चैप्टर है या लेसन है अध्याय का नाम, और नेक्स्ट आपके पास वही खंड ए और खंड बी, खंड सी, खंड डी, खंड ई और आपके सामने चार और ये पांचों टाइप्स हो गए और कुल अंक, जितने भी आपका कुल अंक बनता है उस हिसाब से। तो पहला चैप्टर आपको सभी को मालूम होगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अपना जो फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है? भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, इंग्लिश में बोलते हो फूड एंड ह्यूमन हेल्थ, यानी अपने हम भोजन और मानव स्वास्थ्य जिस चैप्टर में अध्ययन किया होगा उसमें देखो खंड ए में आएंगे तीन, यानी इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो तीन क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन का अंक रहेगा एक, तो तीन गुणा एक के कितने क्वेश्चन आएंगे? तीन क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन आएगा यानी जो आपके सामने जो एक क्वेश्चन आएगा वो आएगा दो अंक का, खंड बी से आएगा, खंड ए से आपके सामने तीन गुणा एक का क्वेश्चन यानी तीन क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक एक नंबर का होगा, तीन क्वेश्चन यानी छोटे क्वेश्चन आएंगे चैप्टर में से, और खंड बी में से आएगा आपके सामने एक क्वेश्चन और वो दो नंबर का होगा। ऐसे कुल मिलाकर आपको बताओ इन कुल इनके कुल अंक कितना होगा बताओ? पांच, और इनमें से नहीं आएगा।
और इसमें कुल अंक कितने आ जाएंगे बताओ आपको, 5 नंबर मिल जाएंगे। यानी पहला जो चैप्टर आपका भोजन एवं मानव स्वास्थ्य वो कुल अंक 5 का है। इसमें से आप बड़े क्वेश्चन बिल्कुल भी तैयार नहीं करें, केवल छोटे जैसे विटामिन है, कुपोषण है, विटामिन ए का रासायनिक नाम है, विटामिन डी का रासायनिक नाम है, आगे बात समझ में, और विटामिन जैसे बी तरीके और कमी से होने वाला रोग है, इनका विटामिन बी का रासायनिक नाम, बी की कमी से होने वाला रोग, ये ऐसे आपको क्वेश्चन पूछेगा। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, जैसे कविस्को और मेरमस रोग है, और इस प्रकार से गुटखा, अफीम आपको दे रखा है, तंबाकू, इनके जो क्वेश्चन पूछेंगे आपको, जो 3x1 में आएगा खंड ये तो, और ये खंड बी के अंदर आएगा 2 नंबर का क्वेश्चन, जो एक क्वेश्चन आएगा इस प्रकार करके, ये कुल अंक कितने आएंगे 5, और इसमें से 5 क्वेश्चन आएंगे। फिर जो दूसरा आपका चैप्टर है और आपको मालूम होगा, मानव तंत्र यानी ह्यूमन सिस्टम, मानव तंत्र, और मेरे प्रिय विद्यार्थियों इसमें बहुत ही अच्छा काम है, इसमें से बिल्कुल एक ही क्वेश्चन आएगा, और वो एक ही क्वेश्चन भी छोटे क्वेश्चन में नहीं आएगा, अपने बड़े क्वेश्चन में आएगा। इसमें आपको क्या मिलेगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बहुत खुशखबरी की बात है हमारे लिए, इसमें से खंड ए में से क्वेश्चन आएगा, इसमें आएगा 6x1 का, यानी 6 अंक का आएगा, टोटल कितने अंक रहेंगे इसके, 6 अंक रहेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस प्रश्न में आपको क्या मिलेगा, और मिलेगा अर्थात अथवा में मिलेगा, आप कोई सा भी कर सकते हैं। इसमें से जो ह्यूमन सिस्टम हमारे मानव तंत्र, यानी जो मानव शरीर संबंधी तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, और जो आपका आपने पढ़ा श्वसन तंत्र और रक्त परिसंचरण तंत्र, और जो अपने जितने जनन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, इन तंत्रों में से कोई एक तंत्र मिल जाएगा जिसमें आपको इंपॉर्टेंट रहेगा, वो मैं आपको प्रत्येक चैप्टर वाइज प्रोवाइड करूंगा। तो बताओ दोनों में हो गया, इसमें से केवल एक ही क्वेश्चन आएगा, वो भी मेरे प्रिय विद्यार्थियों 6 नंबर का आएगा, और 6 नंबर में आपको हत्वा मिलेगा। मैंने अभी कहा था जो 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे उसमें हत्वा मिलेगा, और ये 27, 28, 29वें क्वेश्चन में से आएगा। और अगला जो नेक्स्ट अपना चैप्टर है वो मेंडल वाला है, अनुवांशिकी, अनुवांशिकी, कौन सा चैप्टर अपने प्रिय विद्यार्थियों, अनुवांशिकी, और अनुवांशिकी जो चैप्टर है आपके सामने, उस अनुवांशिकी चैप्टर है मेंडल द्वारा, ग्रेगन जॉन मेंडल ने अनुवांशिकी के बारे में बताया था, और जो अनुवांशिक चैप्टर है उसमें आएगा एक तो 1x1 का क्वेश्चन है, खंड ए में से आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वो क्वेश्चन 1 मिलेगा, और खंड बी में से आपको क्वेश्चन मिलेगा वो मिलेगा 1 क्वेश्चन, यानी 1 क्वेश्चन तो आपके खंड ए में से 1 नंबर का आएगा, और खंड बी में से आएगा 2 नंबर का क्वेश्चन, और इसके नंबर कितने मिलेंगे आपको 2, यानी आपको पता तो है खंड ए तो बताओ कितने नंबर का, 1 नंबर का, खंड 2 है वो कितने नंबर का, 2 नंबर का, ये 4 नंबर का, सी ये 5 नंबर का है, और ये कितने नंबर का है, 6 नंबर का है खंडी। तो इस हिसाब से बताइए आपको कुल अंक कितने हो गए, 2 और 1 कितने हो गए, 3, तो आपका जो ये लेसन नंबर 3 है अनुवांशिक जेनेटिक्स, वो कितने नंबर का है, 3 नंबर का। उसके बाद में आता है अपना लेसन नंबर 4, प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह, प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह, एवं रक्त समूह। तो ये जो चैप्टर है आपका, इसमें से भी बस बिल्कुल ही, इसमें आपको सबसे खंड ए में का ही क्वेश्चन मिलेगा, और वो मिलेगा 1x3 का। और इस चैप्टर में आप स्पेशल ध्यान रखना, जो ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चन आते हैं अपने, वो ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, बिल्कुल ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, और 3 यानी आपको जो क्वेश्चन आएगा वो आएंगे, एक प्रत्येक चैप्टर में से आपको मिलेगा 3 अंक, 3% मिलेंगे, और प्रत्येक 1 नंबर का होगा, तो टोटल संख्या कितनी रहेगी प्रश्नों की, 3 रहेगी, और इसका कुल अंक भार कितना रहेगा आपके सामने, 3, इनमें से नहीं आएंगे आपके, आगे ना बात समझ में, इनको जो खंड आगे बच गए उन खंड में से क्वेश्चन नहीं है बिल्कुल, बस प्रतिरक्षा रक्त समूह वाले में से बड़ा क्वेश्चन बिल्कुल भी तैयार नहीं करना है। इन चारों चैप्टर जो आपके जीव विज्ञान है, बायोलॉजी है, उनमें से केवल बड़ा क्वेश्चन आएगा, केवल मानव तंत्र वाले में, उसमें भी पार्ट्स में आएगा क्वेश्चन, 1, 2, 3 पार्ट्स में बटा हुआ आएगा, और बाकी जो जो चैप्टर बच गए उनमें से खंड ए में और खंड बी में क्वेश्चन आएंगे, और बाकी सी डी ई में से नहीं आएंगे। तो आप ध्यान रखना, इन्हीं चैप्टरों से छोटे छोटे क्वेश्चन तैयार करना, जो मैं आपको आपके साथ हूं, आपको जो भी कोई दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, कोई स्पीड वगैरह की प्रॉब्लम आपके सामने, या कह रहे हैं कि सर जो से मान लो 1 नंबर वाले क्वेश्चन है वो आपको मैं जितने भी 30-40 प्रत्येक चैप्टर में से पहुंचाते हैं, उन सारे चैप्टर में से जो क्वेश्चन बनेंगे उतने आपको मैं जो एग्जाम दृष्टि से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2021 का जो पेपर है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। इसके बाद देखो अपने जीव विज्ञान के बाद आता है रसायन विज्ञान, कौन सा विज्ञान, रसायन विज्ञान। तो देखो रसायन विज्ञान के बारे में देखते हैं, रसायन विज्ञान अगला जो नेक्स्ट है अपने, कौन सा है, रसायन विज्ञान। और इसे रसायन विज्ञान की स्पेस बात कि मैंने आपको इसे चैप्टर को पहले करवा दिया, और मेरा इस चैप्टर पर डाल भी रखे हैं वीडियो, काफी वीडियो डाल रखे हैं जो लेसन नंबर 5 और 6 हैं। तो इस तरह तो वही लिख देता हूं, अध्याय अपना जो 5वां चैप्टर है उसका नाम है 5वें चैप्टर का दैनिक जीवन में रसायन, दैनिक जीवन में रसायन, दैनिक जीवन में रसायन, वही आपके सामने खंड रहेंगे दैनिक जीवन में रसायन, और वही खंड रहेंगे आपके सामने ए
बी और सी डी और ई और इनके क्या रहेंगे कुलंक। वह सेम सिस्टम है, ऊपर वाला ही वही खंडों के रूप में रहेगा। और इसके अंदर जो आपके सामने रसायन विज्ञान के अंदर आएंगे वो रसायन विज्ञान में आपको एक नंबर का क्वेश्चन मिलेगा एक तो, यानी जो आपका दैनिक जीवन रसायन है उसमें एक नंबर का क्वेश्चन और एक दो नंबर का क्वेश्चन, तो एक गुणा एक एक क्वेश्चन तो आपको ये मिल जाएगा और साथ में आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा आपको दो नंबर का, दो गुणा एक तो ये कितने नंबर हो गए दो नंबर और ये कितना हो गया एक नंबर। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है मेरे प्रिय विद्यार्थियों कि आपको इसमें से जो मैंने आपको बड़े क्वेश्चन बताए थे जो तीन क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन आने वाले हैं अपने, वो एक जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा छह नंबर का क्वेश्चन। तो बताओ ये आ जाएगा छह गुणा इसमें खंड आपका जो ये है खंड ई है उसमें आएगा छह गुणा एक, तो बताओ कुल कितने नंबर का आएगा छह नंबर का आएगा। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों प्रिय साथियों इसमें जो टोटल अंक रहेंगे वो नहीं रहेंगे नौ नंबर के, यानी छह नंबर का, तो ये आ जाएगा आपके सामने यानी बड़ा क्वेश्चन आएगा छह नंबर का इसी चैप्टर में से। और आपने पढ़ा हो किसी वीडियो में ध्यान दिया हो तो मैंने तीन मूल संकल्पनाएं बताई थी, एक तो आरएनएस की बताई थी और एक आपने ब्रोटेस्ट क्लोरी बताई थी, एक लुईस अमल से बताई थी, तीनों में से एक मेरे प्रिय विद्यार्थियों अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। और जो आपको मेन यौगिक बताए थे जिसे दैनिक जीवन में अपने जो सामान्य यौगिक थे उनकी किस प्रकार उनको प्राप्त किया जाता है, उनकी किस प्रकार से रिएक्शन है, उनका गुण क्या होता है, उपयोग क्या होता है, उनमें से ही आएगा 100 में से 100 प्रतिशत जो छह एक नंबर का आएगा। और मेरे प्रिय विद्यार्थियों आपके लिए खुशखबरी की बात, इसमें से क्या आएगा अवर अथवा, ये ध्यान रखना छह नंबर और पांच नंबर में जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनमें क्या आएगा अवर अथवा। तो एक तो आपने मैंने दूसरे चैप्टर में से बता दिया और एक पांचवें चैप्टर में से, दो क्वेश्चन फिक्स हो गए आपके और ये कुल अंक रहेगा नौ नंबर के। और खंड ए में से आएगा एक नंबर का, खंड बी में से आएगा बताओ दो नंबर का, एक एक क्वेश्चन आएंगे उसमें से, तो कुल अंक कितने हो गए नौ। इसके बाद देखो अगला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक, लेसन नंबर छह आपके सामने रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक, एवं उत्प्रेरक। तो ध्यान रखना मेरे प्रिय विद्यार्थियों जो रासायनिक अभिक्रिया उत्प्रेरक है उसमें से आएगा एक, केवल एक क्वेश्चन आएगा बहुविकलाप के अंदर, जो आपको बताया था मैंने पहला क्वेश्चन जो एक गुणा एक आएगा। और मेरे प्रिय विद्यार्थियों देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने जो केमिस्ट्री का जो चैप्टर है, केमिस्ट्री का जो चैप्टर है उसमें से देखो अभी जो अभी नए जो सिलेबस के आधार पर देखो चार चैप्टर थे अपने केमिस्ट्री के, जिसमें से सातवां और आठवां चैप्टर हटा दिया गया है और दो चैप्टर है और दोनों में से बड़ी खुशखबरी की बात है कि इसमें भी छह गुणा एक यानी छह नंबर का क्वेश्चन आपके सामने प्रोवाइड हो जाएगा, छह नंबर का क्वेश्चन मिलेगा इसमें भी अवर मिलेगा। तो बताओ इसके टोटल अंक कितने हो गए बताओ रसायन अभिक्रिया उत्प्रेरक के, बताओ टोटल अंक सात। इस प्रकार से जो आपकी रसायन विज्ञान है उसका कुल अंक भार कितना है, कुल अंक भार कितना है 16 नंबर का, अंक भार कितना हो गया आपका कुल अंक भार 16 नंबर का हो गया। यानी जो आपका दैनिक जीवन में रसायन जो चैप्टर मैंने आपको वीडियो अपलोड कर रखे अपने जेबी एजुकेशन चैनल पर वो है 9 अंक के, और जो अपने रासायनिक अभिक्रिया उत्प्रेरक इसके भी मैंने वीडियो डाल रखे हैं आपको, जो है इसका पूरा डाल रखा है छठवां चैप्टर वो है अपने 7 नंबर का। तो इसमें से भी एक बड़ा क्वेश्चन आएगा, किस प्रकार से आएगा वो आपको मैं अगले वीडियो में जरूर अपलोड करवाऊंगा प्रत्येक चैप्टर के, अपने इससे ही चालू करेंगे दैनिक जीवन में रसायन से। और इसके बाद रासायनिक अभिक्रिया उत्प्रेरक के, तो इसका एक क्वेश्चन तो आएगा आपको पहला जो एक खंड है उसमें से, और जो लास्ट का खंड है ई उसमें आएगा छह नंबर का, जिसमें आपको अवर अथवा जरूर मिलेगा। बहुत प्रिय प्रिय विद्यार्थियों आपके पास बहुत गोल्डन सुनहरा अवसर है, तो आप बिल्कुल हमारे साथ बनी रहिए, हमारे साथ जुड़ी रहिए, आपको बिल्कुल एक एक प्रत्येक जो क्वेश्चन है आपको बोर्ड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2021 में जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो बिल्कुल आपको मैं प्रोवाइड कराते जाएंगे। अब आपके लिए इसके बाद जीव विज्ञान की बात आती है भौतिक विज्ञान, और इस भौतिक विज्ञान में मेरे प्रिय विद्यार्थियों एक चैप्टर बिल्कुल अट गया है, जो कौन सा है बताओ धारा विद्युत, धारा वाला विद्युत वाला चैप्टर आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। और एक खुशखबरी की बात और इसके साथ साथ आपको मालूम यानी पता हो तो इसके साथ में आपने एनर्जी ऊर्जा है, जैसे अपना लेसन नंबर जो 11 है वो कार्य ऊर्जा शक्ति उसमें से भी ऊर्जा उठा दी गई है, जो भी आपको उठा दिया गया वो बिल्कुल बताएंगे। तो अगला आ रहा है अपना भौतिक विज्ञान, कौन सी विज्ञान भौतिक विज्ञान, इसके तीन चैप्टर हुआ करते थे उसमें से दो ही चैप्टर है, एक तो लेसन नंबर 9 है प्रकाश वाला, कौन सा है प्रकाश लाइट वाला, उसमें भी खंड बना रखे ए बी और सी और डी और ई, आपको मैं खंड के रूप में बता दूं और कुल अंक आगे बात समझ में। और जो आपको एक चीज और बता दूं, जो अपने भौतिक विज्ञान है इस भौतिक विज्ञान के अंदर जो कुल अंक रहेंगे बताओ कितने नंबर का रहेगा कुल अंक बार रहेगा अपना 15 नंबर का, कितने नंबर का रहेगा
15 नंबर का रहेगा भौतिक विज्ञान जो प्रकाश वाला चैप्टर है उसमें से खंड ए में से जो क्वेश्चन आएंगे आप वो देखते हैं। देखो इस खंड ए में से आएंगे 3×1 यानी कहने का मतलब 3 क्वेश्चन आएंगे, 1 नंबर के आएंगे और टोटल अंक कितने हो गए बताओ अपने प्रिय विद्यार्थियों 3 नंबर के हो गए। उसके बाद बताओ इसमें से एक क्वेश्चन आएगा जो आएगा आपके सामने 5 नंबर का और बहुत ही कुछ कवरिंग बात। जैसे आपने रसायन विज्ञान में देखिए दो क्वेश्चन दो ही चैप्टर दो ही क्वेश्चन में 6-6 नंबर के, इसी प्रकार इसमें दो ही चैप्टर रहे हैं दोनों में से 5-5 अंक के क्वेश्चन आएंगे जो कौन से आएंगे खंड बताओ यानी दह में से आएंगे जो खंड डी है आपका उसमें से आएंगे। तो उसमें आएगा एक क्वेश्चन 5×1 का टोटल 5 हो गए, 5 और 3 कितने हो गए 8। तो बताओ कुल अंक कितने हो गए आपके सामने 8, कुल अंक कितने हो गए आपके सामने 8। फिर जो आपका 11वां चैप्टर है 10वां चैप्टर को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, 10वां चैप्टर विद्युत वाला हटा दिया गया है सही है। अगला चैप्टर आ रहा है वो 11वां चैप्टर है, तो जो 11वां चैप्टर है उस 11वां चैप्टर को आपको देखो ये अपना चैप्टर है कार्य और ऊर्जा शक्ति, कार्य ऊर्जा शक्ति वर्क एनर्जी पावर, कार्य ऊर्जा शक्ति। इसमें सबसे मोस्ट बात यह है कि देखो सबसे बड़ा चैप्टर था, लेंथी चैप्टर था, थोड़ा वैसे मान लो हार्डली चैप्टर था, इसमें ऊर्जा उठा दी गई केवल इसमें कार्य व शक्ति बचे यानी दो ही चीज बची, हमने कार्य और शक्ति का अध्ययन करना है। इसमें से देखो कौन से क्या आएंगे, इसमें एक तो आएगा दो क्वेश्चन आएंगे बताओ जो खंड बी में से आएंगे यानी प्रत्येक जो क्वेश्चन है सॉरी खंड ए में से आएगा 2×1 आएगा, दो क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबर का आएगा तो कुल अंक कितने हो गए इसमें बताओ 2 हो गए यानी जो आपको एक एक बहुविकलाप के जो क्वेश्चन है वो मिलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि जो बहुविकलाप जो क्वेश्चन मिलेंगे बहुविकलाप क्वेश्चन में इसमें एक नंबर का मिलेगा, ऑप्शन टाइप क्वेश्चन मिलेगा और जो आएगा कार्य और शक्ति के अंदर से आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है अभी मैंने बताई थी आपको इसमें खंड डी में, और ध्यान रखिएगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों खंड डी और खंड ई के अंदर क्या है बताओ अवर अथवा है। तो फिर अब बताओ मैंने दो चैप्टर रसायन विज्ञान के अंदर बताए जिसमें दोनों में अवर अथवा है और इसमें 5-5 अंक के दो क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो बताओ ये भी 5×1 तो कितने टोटल 5 और 2 कितने हो गए बताओ 7। तो कुल अंक बार भौतिक विज्ञान कितने नंबर के हो गए अपने 15 नंबर की यानी 8 जो नंबर का जो क्वेश्चन है 8 नंबर के क्वेश्चन प्रकाश से आएंगे। और जो कार्य ऊर्जा शक्ति इसमें इंपॉर्टेंट बात है ऊर्जा हटा दी गई है बिल्कुल हट गई है, ऊर्जा का क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन इसमें मोस्ट बात क्या ध्यान रखनी है आपको इसमें से शक्ति में या कार्य में आंकिक क्वेश्चन जरूर आएंगे, आंकिक जो क्वेश्चन है वो आंकिक के क्वेश्चनों का आप ध्यान रखिए, आंकिक प्रश्न जरूर हल कीजिए आप, आंकिक प्रश्नों का सुपर मोस्ट तरीके ध्यान रखिए चाहिए जो मैं प्रत्येक क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। और जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2021 में जो आने वाले आंकिक क्वेश्चन है वो सारे मैं आपको बोर्ड पर हल कराऊंगा बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और खुशखबरी की बात मेरे प्रिय विद्यार्थियों है इसमें से ऊर्जा हट गई, अब चैप्टर बहुत कम बचा है क्योंकि कार्य भी कम और शक्ति का भी बहुत कम चैप्टर है, तो ये अपने टोटल 15 नंबर की हो गई है। अगला जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ वो है अपनी प्राकृतिक विज्ञान, कौन सी विज्ञान है आगे हम प्रकृति में जो विज्ञान है उस प्रकृति विज्ञान के बारे में बताएंगे। तो प्रकृति विज्ञान के आपके सामने वही दो ही चैप्टर है प्रकृति विज्ञान की, लेसन नंबर 12 और लेसन नंबर 14। तो देखो प्रकृति विज्ञान अगला आ रहा अपने कौन सा प्राकृतिक विज्ञान, और ये प्राकृतिक जो विज्ञान है वो कुल अंक बाहर कितना है इसका 11, कुल अंक बाहर कितना है इसका 11, कुल अंक बाहर 11 है। आप मेरे को जरूर बताएंगे कमेंट्स में आपको कोई दिक्कत रहेगी स्पीड से दिक्कत है क्या सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे सर इस वीडियो में क्या दिक्कत है। और मैं आपको वादा कर रहा हूं कि प्रत्येक चैप्टर के इसमें से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में आने वाले प्रत्येक क्वेश्चन आप तक प्रोवाइड कराऊंगा अलग अलग चैप्टर से कराऊंगा। जो इसमें देखो अपना एक तो लेसन नंबर 12 है और लेसन नंबर जो 12 है वो है प्रमुख प्राकृतिक संसाधन, अपने जितने भी है प्रमुख प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन चैप्टर अपना प्रमुख प्राकृतिक संसाधन। इसमें से मेरे प्रिय विद्यार्थियों खंड ए में और बी में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, खंड जो ए है उसमें तो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा 3 क्वेश्चन आएंगे खंड ए में से 3×1 के और 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और जो खंड बी है और खंड बी के अंदर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा 2×1 का 2 क्वेश्चन, और खंड सी और डी ई और यानी आपका कुल अंक, तो कुल अंक बताओ कितने का हो गया ये 5 नंबर का हो गया 3 और 2 5। और इसमें सब यह है कि खंड सी डी और ई में से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपको, केवल आपको खंड ए और खंड बी में से। अगला जो अपना चैप्टर है वो है 14वां, वो है पादप एवं जंतुओं का महत्व, पादप एवं जंतुओं का आर्थिक महत्व, आर्थिक महत्व जो ये चैप्टर है अपना। देखो प्रिय विद्यार्थियों उसके में से खंड ए में से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा,
और केवल खंड बी में से क्वेश्चन आएंगे, वो आएगा खंड बी में से, जो आपका खंड बी है उसमें आएगा केवल एक क्वेश्चन आएगा। और इसमें सबसे बढ़िया बात यह है, देखो दो नंबर का तो इसमें खंड बी में से आएगा, और अभी तक मैंने आपको नहीं बताया पहला जो क्वेश्चन आएगा खंड सी में से वो इसी में से आएगा, जो प्रखंड सी था आपको बताओ तो चार नंबर का, तो चार गुना एक यानी इसमें चार नंबर का आएगा। सिर्फ करके बताओ टोटल अंक कितने हो गए, छह। आपको ध्यान रखना खंड सी में से यानी जो तीसरा आपका खंड है उसमें से आपको एक चार नंबर का क्वेश्चन मिलेगा, और एक खंड बी में से मिलेगा आपको केवल एक ही अंक क्वेश्चन मिलेगा जो दो अंक का होगा। इस प्रकार कुल अंक कितने हो गए अपने, छह, और पूरा जो अपना जो प्राकृतिक विज्ञान है उसका कुल अंक बाहर कितना हो गया बताओ, 11। 6 और 5 कितने हो गए, 11। इसके बाद मेरे प्रिय विद्यार्थियों ध्यान देना, जो अपने अलग जो अगले हैं, अगला जो विज्ञान है वो है अपने पृथ्वी एवं अंतरिक्ष, यानी हम पृथ्वी और अंतरिक्ष के बारे में शेयर करेंगे, पृथ्वी और अंतरिक्ष के बारे में देखेंगे। तो देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों पृथ्वी और वो आगे जो आपके हैं पृथ्वी और अंतरिक्ष के अंदर उसमें क्या है, बहुत ही ऐसे मान लो या भी आपका जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है या जो मजेदार है, आज जो मैंने आपको अंक विभाजन किए हैं अगर आप इस हिसाब से तैयारी करते हैं तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों आप 80 में से 80 नंबर बिल्कुल ला सकते हैं। और अगर हम आपके साथ आप अपना सहयोग बढ़ाएंगे, हमारे साथ जुड़े रहेंगे, तो हम प्रत्येक चैप्टर जितने चैप्टर है आपके उनको प्रोवाइड कराएंगे। आगे रखना पृथ्वी व अंतरिक्ष, पृथ्वी व अंतरिक्ष, इसमें से देखो पृथ्वी और अंतरिक्ष के अंदर से आपको जो कुल अंक बार है वो कुल अंक बार आपको है वो टोटल अंक बार है 12 अंक का। कितना है अंक बार, 12 अंक बार है इसका, 12 नंबर का। और जो चैप्टर है देखो, एक तो चैप्टर है 15वां जो है पृथ्वी की संरचना, यानी पृथ्वी की क्या स्ट्रक्चर है, पर आंतरिक कोड वगैरह इनके बारे में है, बाह्य शक्तियां पृथ्वी की संरचना किस प्रकार से है, उसमें से एक तो आएगा खंड बी में से है, और आपको खंड बांट देता हूं सी डी और ई, ये पांच खंड आपके और ये कुल अंक। अब बताओ जो आपका जो क्वेश्चन आने वाला है वो एक तो वही उसी की तरह सेम आएगा, एक तो खंड बी के अंदर एक क्वेश्चन आएगा 2 × 1 का, यानी एक क्वेश्चन तो आपको उसमें मिल जाएगा 2 नंबर वाला, और एक क्वेश्चन मिलेगा आपको 4 नंबर का, तो उसका हो जाएगा 4 अंक। तो 2 और 4 कितने हो गए बताओ, 6 अंक। सेम इसी तरह जो आपको जो 18 चैप्टर अपने जो भारत है यानी अपने इंडिया के है जो भारतीय है वैज्ञानिक, तो ये चैप्टर है अपना भारतीय वैज्ञानिक, भारतीय वैज्ञानिक और उनका भारतीय वैज्ञानिक का जीवन परिचय एवं उनकी उपलब्धियां, परिचय एवं उपलब्धियां। तो देखो इनके बारे में जो अपने बड़े जो आपको पता हो पंचानन महेश्वरी चरक था, कितने इजी इजी क्वेश्चन है, और जो अपने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हैं और साथ में उसके साथ में सलीम सालिम अली है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये सारे वैज्ञानिक है जिनका जीवन परिचय उपलब्धियां है, वो जीवन परिचय उपलब्धियां वो इसमें से बताओ 2 × 1 खंड बी में से आएगा एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन खंड सी में से आएगा 4 × 1 का, तो कुल अंक कितना क्यों हो गया बताओ इसके, 6। यानी एक क्वेश्चन तो 2 खंड बी में से आएगा और बाकी इनमें से क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पूछे जाएंगे, सही है, और एक खंड सी में से आएगा 4 × 1 का, और जो टोटल अंक बार कितने हो गए इसके, 6 हो गए। मेरे प्रिय विद्यार्थियों लास्ट का जो अपना एक खंड बचा है केवल एक ही चैप्टर अब की बार, और गत बार सिलेबस के अंदर तो था जो सड़क सुरक्षा थी वो बिल्कुल हटा दिया गया, आप बिल्कुल भी नहीं पढ़े उसको, केवल आपके सामने बस एक चैप्टर और बच रहा है, जो एक चैप्टर लास्ट का है आपको बताओ वो तो पर्यावरण संबंधित तो है, आपका मेन टॉपिक तो पर्यावरण है, और 19वां चैप्टर आपको पता हो तो जैव विविधता एवं उनका संरक्षण, जैव विविधता एवं संरक्षण। तो जैव विविधता का संरक्षण किस प्रकार से किया जाता है वो प्रकार है, देखो जैव विविधता का संरक्षण किस प्रकार से होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात इस चैप्टर के अंदर, इसमें भी वही खंड के टॉप टाइप में, लेकिन 3 खंडों में आएंगे क्वेश्चन, खंड ए बी सी डी और ई। और आपको मेरे प्रिय विद्यार्थियों मैंने आपको कहा था आपकी बार रिक्तस्थान के भी क्वेश्चन पूछेंगे, तो सुपर मोस्ट ये है कि इसी चैप्टर में से आएंगे, जो रिक्त स्थान के क्वेश्चन आएंगे वो इसी चैप्टर में से आएंगे, और ये आपका जो कुल अंक है वो कुल अंक देखो ये बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, और ये अकेला चैप्टर एक ही चैप्टर है जो पर्यावरण संबंधित है वो कुल अंक है 9, यानी इसका जो अंक बार है वो बताओ कितने का, अंक बार 9 का, और इस अकेले 19वें चैप्टर में से आप एक चैप्टर तैयार करते हैं अपनी 1.5% बनती है, यानी 9 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, और पहला जो क्वेश्चन आएगा 3 × 1 में जो मैंने रिक्त स्थान बताया 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ध्यान रखना मेरे प्रिय विद्यार्थियों जो रिक्त स्थान का क्वेश्चन आएगा वो इसी चैप्टर में से आएगा, तो इसको अच्छी तरीके से डिफाइन कर ले, जो आपके छोटे क्वेश्चन दे रखे हैं इसके अंदर से जो अन्य महत्वपूर्ण है, और जो मैं एग्जाम दृष्टि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2021 की दृष्टि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अपने जीपी एजुकेशन चैनल पर हम प्रोवाइड कराएंगे आपको, और प्रत्येक चैप्टर वाइज प्रोवाइड कराएंगे, तो ये रिक्त स्थान वाले जो क्वेश्चन है वो इसी के अंदर से आएंगे, और एक क्वेश्चन आएगा आपका 2 अंक का आएगा, 2 × 1 का, एक 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और सबसे
इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें रिक्त स्थान का क्वेश्चन का ध्यान रखिए, इसको रिक्त स्थान का क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा खंड सी से चार नंबर का, वो चार अंक का रहेगा क्वेश्चन और चार अंक का एक क्वेश्चन रहेगा, तो ये चार मिलकर दो टोटल अंक कितने हो गए, तीन और दो पांच, चार कितने हो गए तो नौ। तो अकेला चैप्टर मेरे प्रिय विद्यार्थी जो पर्यावरण वाला चैप्टर है यानी जैव विविधता संरक्षण वाला चैप्टर है, इसका जो आर्थिक महत्व ये जो महत्व है जैसे ये बाह्य स्थानीय है सव स्थानीय है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको प्रत्येक चैप्टर वाइज कराऊंगा जिसका कुल अंक भार कितना है, नौ अंक का है। और मेरे प्रिय विद्यार्थियों आप सभी का ये स्नेह भरा या जो ये प्रेम था ये इतने दिन तक हम आपके इस चैनल पर नहीं आ सके इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं आपके सामने, क्षमा चाहते हैं और मेरे इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और इस अपने जेबी एजुकेशन चैनल है इसको आप बहुत ज्यादा ऊंचा बढ़ाएंगे। और मेरे बड़ी गर्व की बात है कि आज 10-11 हजार स्टूडेंट जितने भी हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए इस चैनल पर, और भी हम आशा करते हैं कि आप आगे से आगे बढ़ाएं। और आपको जो भी इस वीडियो के अंदर दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं सर क्या दिक्कत है, और आपके सामने इसी समय और अभी अभी आगे समय में लगातार वीडियो डालते रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक, आप इसको अच्छी तरह से तैयार करना। थैंक यू।